गुड मॉर्निंग क्लासेस। आशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन सेवा में 9th-10th इंग्लिश ग्रामर के सभी बच्चों का आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर सहारनपुर और आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बडूली फाटक सभी बच्चों का विद गार्जियन हम स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि आपने इन 40-45 दिनों में इस बंद के दौरान लॉकडाउन में सरकार का अपना अपने समाज का और स्वयं के स्वास्थ्य की जो रक्षा की है आप बधाई के पात्र हैं। हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल के माध्यम से अधिक सब्सक्राइब करने का कोशिश करिए और ये प्रयास करिए कि आप अधिक से अधिक अपने साथियों को जो 9th-10th के हैं इस ग्रामर क्लासेस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिखना क्वेश्चन आंसर करना वो तो हाथ की बात है लेकिन ये ट्रांसलेशन आज से हम शुरू करते हैं इसके बारे में आप बड़ी ही बारीकी से हमारे द्वारा जो कुछ बताया जा रहा है हम अधिक से अधिक आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे बता सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर बनाते समय सबसे पहले नाम आता है टेंस का। बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आती है कि बच्चे सोच तो लेते हैं क्योंकि अधिकतर हम हिंदुस्तानी हिंदी भाषी हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में हम सोच तो लेते हैं लेकिन उस सोचे हुए को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें सबसे बड़ी परेशानी ये आती है। पूरे लेसन की हिंदी आती है, सब काम आता है लेकिन उसे अपने शब्दों में हम कैसे लिखें, जैसे एप्लीकेशन है या निबंध है या कोई मैटर है, नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला जो है टेंस आता है कि जब तक हम टेंस नहीं समझेंगे, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक बीते हुए समय की बातें, एक चलते हुए समय की बातें और एक आने वाले समय की बातें। ये तीन प्रकार के टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में चेंज हो जाते हैं लेकिन इनकी अपनी कुछ पहचान होती है। तो यहाँ पर हम जो शुरुआती टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट और टेंस। प्रेजेंट का मतलब है कि ये वर्तमान समय का है, इंडेफिनिट का मतलब है कि सब कुछ अनिश्चित है कि कोई भी काम कभी भी शुरू हो सकता है लेकिन काम हो रहा है। और पहचान है इसमें कि हिंदी के सेंटेंस में जो क्रिया होती है उसके लास्ट में ता या ती या ते शब्द आते हैं और इनके साथ है शब्द प्रयोग किया जाता है बताता है कि ये प्रेजेंट का रहा होगा और ता ती ते बताते हैं कि ये इंडेफिनिट का होगा। यही मेन पहचान है और बच्चे यहीं पर धोखा खा जाते हैं। इस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम पहचान बताते हैं कि इसमें जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहीं कहीं एस या ईएस लग जाता है। अब बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाई जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कहाँ लगाया जाए और ईएस कहाँ लगाया जाए। तो इसके लिए मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रामर बनाने वालों ने इसे प्लूरल यानी बहुवचन में लिया है क्योंकि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों लगी होगी जिसमें एस यस वगैरह कुछ नहीं होगा वो सब बहुवचन यानी प्लूरल के लिए होगी और उसमें एस तब लगता है या ईएस तब लगता है जब वो सिंगुलर या एक वचन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब प्रॉब्लम आती है कि एस कहां पर लगेगा और ईएस कहां पर लगेगा। तो इसके लिए ग्रामर वालों ने कुछ लिमिटेशंस तय की हैं कि वे वर्ब जिनके लास्ट में ए ई आई ओ यू जो वॉवेल हैं उनमें से केवल ओ, अगर किसी वर्ब के लास्ट में वॉवेल के केवल ओ शब्द से लास्ट होता है जैसे हम कहें गो या हम कहें डू तो यहां पर हम एस नहीं लगाएंगे, एक वचन नहीं बन सकता क्योंकि अगर हम गलती से एस लगा दें तो गॉस हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। अगर डू का एस लगा दें तो यहां पर ये डॉस हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम में हम इन सब के साथ जिनके साथ हमारा ओ आया हो लास्ट में ऐसे वर्ब वहां पर हम इसके साथ ई एस यानी कि जी ओ ई एस लगा देते हैं और इसके साथ ई एस यानी कि डी ओ ई एस डज लगा देते हैं। तो ध्यान रखें एस वहां पर लगता है
जहाँ बॉबिल में से ओ शब्द आया हो और एस वहां लगता है जहां ये शब्द आए हो और बाकी सबके साथ एस लगता है। ये क्लियर हो जाने के बाद अब इस टेंस में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डू और डस कहां पर लगता है। बहुत सारों के साथ डू का प्रयोग होता है और अकेले के साथ नेगेटिव में डस का प्रयोग होता है। तो आइए सबसे पहला सेंटेंस बताने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस लिया है जिसे आप लिखते भी रहेंगे फेयर कॉपी में। राघव बाजार से आम लाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोई आपसे पूछे कि इसकी पहचान क्या है तो तार शब्द और है शब्द ये दो ही इसके इंडिकेशन हैं जो केवल ये बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रेजेंट क्या है और इंडेफिनिट क्या है। तो जो है शब्द है ये बताता है कि ये प्रेजेंट रहा होगा और इसका तार शब्द बताता है कि ये इंडेफिनिट रहा होगा। यही पहचान आपको अपने माइंड में फीड रखनी है। राघव बाजार से आम लाता है। ग्रामर में भी मैथ की तरह फार्मूले होते हैं। फार्मूला है पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। 9th-10th के बच्चे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ कोई विषय हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान साइंस से नहीं है। यहां सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। मेन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म अगर वो बहुवचन प्लूरल में है तो फर्स्ट फॉर्म ज्यूंकित्व आएगी। अगर वर्ब अकेला है काम करने वाला अकेला है तो वर्ब में ओ के साथ एस ईएस और ऑब्जेक्ट और अदर्स आएगा। ये मैंने क्लियर कर दिया कि एस वहां पर आता है जहां बॉबिल में से ओ नहीं आते हैं। जैसे प्ले, प्ले में ईएस नहीं लगाएंगे आप, वहां पर केवल एस लगेगा, प्लेज हो जाएगा। और जैसे डू है तो डज हो जाएगा, ईएस लग जाएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट इस फार्मूले को हम क्लियर करेंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि पहले क्या लिखें, पहले हम सब्जेक्ट लिखें। इस सेंटेंस में राघव बाजार से आम लाता है, आम लाने का काम कौन कर रहा है? तो इसमें राघव के द्वारा ये काम होता है, इसलिए राघव को पहले लिखेंगे। इसके बाद कहा गया कि मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब है क्या? मेन वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग माने लाना। लाने के बाद क्या है इसमें से हम आपको बताएंगे। इसमें एस लग गया, इसमें ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ओ नहीं आया है। अगर ओ आया होता तो हम खाली एस लगाते। राघव सब्जेक्ट हो गया, ब्रिंग्स मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगकर ये एक वचन में आ गया। सामान यानी ऑब्जेक्ट हमारा मैंगोज है और कहां से फ्रॉम मार्केट हम लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस सिंपल हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम, क्योंकि माइंड में एक अच्छी तरीके से फीडिंग आ जाए, हम इसी को नेगेटिव में लेंगे। आप भी देखिए ध्यान से, नेगेटिव लिखते समय हम लिखेंगे राघव बाजार से आम। अब क्योंकि नेगेटिव है तो आम नहीं लाता है, नहीं लाता है। इसमें नहीं शब्द आ गया, ता आ गया और है आ गया। इन्हीं पे चर्चा करते हैं। है बताता है कि ये प्रेजेंट का रहा होगा, ता बताता है कि इंडेफिनिट का होगा और नेगेटिव बताता है कि इसमें काम का नहीं होना बताया जा रहा है। इसके लिए फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी तो इसमें डू प्लस एस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब में आएंगे। मेन वर्ब क्या है हमारी, जो भी होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम अदर्स जो बाकी का हिस्सा रह गया है उसे हम लिख लेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है जिसके द्वारा ना लाने का काम हो रहा है, वो है राघव। पहले सब्जेक्ट के नीचे हम राघव लिखेंगे। राघव अकेला है इसलिए डज नॉट लिखेंगे, डी ओ क्योंकि ओ आया है इसलिए ईएस लगाएंगे, डज नॉट। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रिंग, B R I N G,
ध्यान रखें यहाँ पर हमने एस लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इस एस को हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, यानी कि हम इशारा कर चुके हैं कि ये सेंटेंस कोई सिंगुलर होगा, अकेले के लिए होगा। डज नॉट ड्रिंक मैंगोज, मैंगोज के ईएस या एस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि चीजें हैं, केवल काम करने वाले से मतलब है। मैंगोज फ्रॉम मार्केट, तो इस तरीके से ये आपका निगेटिव हो गया। तो हमने आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनिट क्या है, पहचान क्या है, एस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ पर लगता है। इस तरीके से ये दो सेंटेंस हो गए। इन सेंटेंस को आप अपने पास लिख लीजिए और लिखने के बाद ऐसा ही कोई एक सेंटेंस आप खुद इस फार्मूले के माध्यम से पुटअप करिए और हमसे संपर्क रखिए। इसके बाद आप इसे फेयर कॉपी में लिखने के बाद इसकी कॉपी एक अलग बना लें, जिससे कि सेंटेंस पर सेंटेंस आपसे हम 9 times के लिए इंग्लिश ग्रामर में, कि दोनों क्लासेस के लिए है, ग्रामर कोई अलग से नहीं आती कि 9th के अलग हो 10th के अलग हो, थोड़ा सा लार्ज हो जाती है लेकिन चीज पैटर्न एक ही होता है। आप इससे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कोई परेशानी है नीचे दिए गए नंबरों से आप संपर्क रखिए। खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अपने घर वालों को निराश मत कीजिए। ईश्वर एक दिन अच्छे दिन लाएगा। दैट्स ऑल।